नमस्कार, हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद। सोलन में अदालत ने सुनाया फैसला, पीड़िता को 9 लाख मुआवजा। पॉक्सो कोर्ट सोलन की विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने मंगलवार को एक बच्ची से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी यूपी निवासी युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। माननीय अदालत ने पीड़िता को 9 लाख रुपए का मुआवजा भी प्रदान करने के आदेश दिए हैं। जिला न्यायवादी महेंद्र कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में नालागढ़ थाना के अंतर्गत पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता बच्ची उस समय 6.5 साल की थी। घटना के दिन पीड़िता अपने घर से ऊपर बने शौचालय में गई थी, तो साथ वाले मकान में रहने वाले युवक लखन पुत्र शिवलाल निवासी गाँव व डाकघर बांदी यूपी ने उसे जबरन उठा लिया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। इस मुआवजा राशि के 80% की FDR पीड़िता के नाम पर की जाएगी, जबकि 20% राशि का भुगतान उसके पुनर्वास के लिए प्रदान किया जाएगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुनील दत्त वासुदेवा ने की। HRTC वर्कशॉप में देर रात भड़की आग, लाखों का नुकसान, एक बस जलकर राख। HRTC के शिमला ग्रामीण डिपो की वर्कशॉप में मंगलवार देर रात अचानक आग भड़क गई। वर्कशॉप में आग की लपटें उठते देख कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से वर्कशॉप में खड़ी HRTC की एक पुरानी बस जलकर राख हो गई। इसके अलावा वर्कशॉप में आग लगने से ऑयल फिल्टर, टायर, स्क्रैप सहित अन्य सामान भी जल गया है। इस दौरान वर्कशॉप में नाइट ड्यूटी पर तैनात चौकीदार ने तुरंत आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग और HRTC के उच्च अधिकारियों को दी। आनन फानन में वर्कशॉप में खड़ी अन्य बसों को निगम के चालकों ने हटा दिया, जिससे अन्य बसें आग की चपेट में आने से बच गई। HRTC की वर्कशॉप में आग लगने की सूचना मिलते ही HRTC के प्रबंधक निर्देश संदीप कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधन शिमला लोकल विनोद शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक मुख्यालय देवा सिंह नेगी व अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि अग्निकांड में एक पुरानी बस जलकर राख हुई है। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में आग लगने से कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये आकलन के बाद ही पता लग सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में आग लगने की घटना के कारणों की जांच की जाएगी। जानकारी के अनुसार वर्कशॉप में रखे बसों के पुराने टायरों ने देर रात अचानक आग पकड़ी और आग वर्कशॉप में तेजी से फैल गई। अग्निशमन के 4 वाहनों ने मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वर्कशॉप में JCV की मदद से टायरों के ढेर को हटाया गया, नहीं तो आग और फैल सकती थी। विधायक का रास्ता रोक लगाए गो बैक के नारे, विरोध स्वरूप दिखाए काले झंडे। रेणुका के विधायक विनय कुमार ने लानाचेता में स्वर्ण समाज एवं क्षेत्रीय संगठन के लोगों ने रोक लिया तथा गो बैक व मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहां पर भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष इकट्ठे हुए तथा बीच सड़क में बैठकर विनय कुमार की गाड़ी को रोक दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक को काले झंडे भी दिखाए गए। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक ना सुनी और विधायक के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। विधायक विनय कुमार जनसंपर्क अभियान के तहत लानाचेता होते हुए पनारा पहुंचना था, मगर इन्हें लानाचेता में ही रोक दिया गया। रेलवे स्टेशन के पास दिखे 2 बड़े तेंदुए, लोगों में दहशत का माहौल। रेलवे स्टेशन के पास 2 बड़े तेंदुए देखे जाने का मामला सामने आया है। घटना सोलन जिले के परवाणु की है। परवाणु के समीप गुम्मा रेलवे स्टेशन के पास पेड़ पर 2 बड़े तेंदुए देखे गए। रेलवे स्टेशन अधीक्षक संजीव शर्मा सुबह करीब 6 बजे परिवार के साथ सैर के लिए निकले थे, तभी उनकी नज़र ऊपर पहाड़ी पर पेड़ पर बैठे 2 तेंदुओं पर पड़ी। दोनों तेंदुए काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी देर पेड़ की शाखाओं पर इधर उधर हलचल करते रहे। वहीं संजीव शर्मा ने इस पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया है। उन्होंने वन विभाग को भी सूचना दी, लेकिन वन कर्मियों के पहुंचने से पहले दोनों तेंदुए भाग गए थे। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक के आसपास घूमने से बचें। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि दोनों नर और मादा तेंदुए भी हो सकते हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज़।
चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।